हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल अमेजिंग आर्ट जंक्शन। दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चे हों, आप खुद एक आर्ट लवर हो, तो यकीन मानिए आप बहुत सही चैनल पे आए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे यूनिक एंड अमेजिंग आर्ट की भरमार होने वाली है। हर तीसरे दिन इस चैनल पे कोई ना कोई आपके साथ बढ़िया अमेजिंग आर्ट शेयर किया जाएगा। आज की वीडियो हमारी स्पेशल बच्चों के लिए है। कोई भी फेस्टिवल हो, स्कूल से हमें सुनने के लिए मिलता है एक्टिविटी। तो दोस्तों, आज जो एक्टिविटी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर दबा देना, क्योंकि हमारा कोई भी नया आइडिया हो आप तक पहुंच सके, जो आपके बच्चों और आपके लिए काम में आए। दोस्तों, थैंक यू। चलिए दोस्तों, हम जल्दी से जान लेते हैं हमें इस एक्टिविटी के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला तो आपको गेहूँ की पारियाँ चाहिए होंगी, ये ऑप्शनल, आप जितनी मर्जी ले सकते हैं, मैंने इसे साथ लिया। दूसरा, आपको कोई भी वाटर कलर ले सकते हैं। तीसरा, इसको ऊपर डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा स्पार्कल। चौथा जो आपको चाहिए, ब्रश, एक फ्लैट और एक राउंड ब्रश, 2-2 नंबर के, और थोड़ा सा पानी। चलिए भाई बनाते हैं। दोस्तों, मेरा रेड कलर फेवरेट है, इसलिए रेड कलर से स्टार्ट करके दिखाता हूँ। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस पर ब्रश चला रहे हो तो ज़्यादा जोर से ना चलाएं, नहीं तो ये टूटने का डर रहता है नक्की वाली। दोस्तों, यहाँ पे फ्लैट ब्रश से कलर अच्छे से नहीं हो रहा, वहाँ हम राउंड ब्रश का यूज़ करेंगे। दोस्तों, हमारा ऊपर वाला पोर्शन कलर हो चुका है, हम इस पर अब स्पार्क लगाएंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि जब ये कलर गीला हो तभी इस पर स्पार्क लगाएं, पूरा जेंटली तरीके से लगाएं, एक जगह पे मत लगे, सारी जगह पे लगे।
फाइनली दोस्तों हमारा फ्लावर तैयार है। कुछ पहले हमने ऐसे बना के रखे थे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।